अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अकदीर जफर वेलकम करना थोड़ा अपने यूट्यूब चैनल दे सिकदीर ऑफिशियल तो उम्मीद करना सारे दोस्त खैर खरीयत नाल होंगे। अल्लाह ताला सारे दोस्तों अपने हिफ्ज़ ईमान रखे। दोस्तों सुबह सुबह का टाइम है तकरीबन हूँ साढ़े चार पाँच बज रहे हैं भाई साहब, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ मैं पानी बन रहा है, मेरी ज़मीन है, इन पीछे रौनी करन लगा गंदम की रौनी, कणक कणक असी पंजाबी विच कहने, गंदम जिहड़ी हुंदी है तुहानू पता ही होवेगा, गंदम की मैं रौनी करन लगा क्योंकि गंदम की बिजाई हुण साडे कोल शुरू हो गई है, तकरीबन हर कोई कर लिया तो मैं रौनी करन लगा। मेरी तकरीबन ये पहले मैं कुछ रौनी कर ली है, रौनी का मतलब है पानी लगाना, पानी लगा लगा क्योंकि ये सुकी हुई है तो नज़र आ रही, ये पानी लगावगा तो ये वत्तर आ जाएगी, वत्तर आने तो बाद ये हल मरा के ट्रैक्टर नाल और बीज सुट देवे और फिर गंदम इतने हो गया आएगी। तो ये मकसद है हूँ मैं इन पानी लगा रहा अज तो तकरीबन 6-7 दिन बाद हफ्ते बाद ये वत्तर आ जाएगा, धुप नाल पानी खुशक हो जाएगा, जो वत्तर आ जाएगा अच्छी तरह फिर इनू हल मरा के ट्रैक्टर नाल और बीज सुट देव गंदम बीज देवे। नाल वाली जी मेरी जमीन है ये मुंजी खलोती है, ये भी मैं कणक बीजनी है, ये 1.5 एकड़ मैं कणक बीजनी है, 1 बीघा ये जिन्हें मैं पानी लगा लगा और 1 एकड़ जिदे मुंजी खलोती है चावल की फसल, ये जो कट लवेंगे चावल की फसल ओवरऑल ख़त्म हो गई है, हर पासे हूँ ख़त्म हो गई है, चावल ख़त्म हो गए हैं, लेकिन ये मैं एंड ते बीजी सी, लेट बीजी सी जिदी वजह तो ये खलोती है और हूँ ये पकती पी है, बिल्कुल तकरीबन 10-12 दिन बाद ये वड्ढन के काबिल हो जानी है। ये लेट गड्ढन की रीज़न ये कि इत्थे पहले मक्की सी, मैं 4 एकड़ मक्की बीजी सी, इत्थे सही तरह उगी नहीं सी जमीन इस मुंजी बीज दीती, इस वजह तो लेट बीजी, ये हुण तकरीबन 10-15 दिन बाद तैयार हो जानी है ते इहनू वढ देना। मैं तकरीबन 4 बजे दा आया हाँ इत्थे, भाई मोहसन ने पानी लगाया सी, भाई मोहसन ने चाचू मोहसन मेरे तो काफ़ी वड्डे ने, अबू की उम्र के ने, उन्होंने पानी लगाया सी ते उन्होंने मैनु कहा सी तू 4 बजे आ जाना, मैं तैनू पानी बना देवगा, तू अपने लिए कर लें अपने लगा लें। मैं 4 बजे आ गया उठ के घरों, तो लेकिन उन्हें कहा कि हाले तक मेरा पीछा नहीं होना, 5 बजे तक वेट कर। मैं 5 बजे तक वेट करता रहा और 5 बजे हूँ उन्हें मैंने कहा पानी बन ला, पिछे नाल ही उसकी जमीन है मेरी जमीन के पिछे, मैं पानी 5 बजे हूँ बन के अपने लिए कर लिया, पानी हूँ मैं अपने लिए मेरे लिए आ रहा पानी पिछे खाले विच, ए टोक मैं बनन लगा ऐ अगू पिछे नाल मैं पानी लगाना, ये टोक टोक मैं सीधे करन लगा करके पानी मेरा पहुँचा खलोता है पिछे, मैं जड़ा खाला है पिछे मेरे ऐ खाला मेरे पिछे, ये पानी आ रहा है पिछली साइड तो क्योंकि मैं पानी सीधा करके आ गया इत्थे, हुण ये मैं टोक बन लवा उस बाद गल बाकी की गलबात मैं थोड़े लगे करना फिर करना। पानी दोस्तों मेरा पहुँचया है मेरे टोक ते, ए टोके मैं बनने बनने, ए मेरी जमीन है, ए नाल पानी पहुँचया है पिछू, ये मोटर बिजली वाली मोटर का पानी है और काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी तेज़ी नाल आ रहा है। 4 बजे आया घरू मोटरसाइकिल ते, तकरीबन 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के फासले ते ये मेरी जमीन है ठेके वाली जिथे मैं पानी लगाना सी। मैं जो 4 बजे आया उदो काफ़ी सर्दी आई, उपर मैं कुछ चीज़ भी कोई नहीं कीती, मतलब लोई कर लेंदा या कुछ खेस खुस कर लेंदा, मैं कुछ भी ना किता, मैं हाँ सर्दी कोई नहीं होनी, लेकिन मोटरसाइकिल ते जो बंदा बंद है उदो सर्दी ना भी होवे लगनी शुरू हो जाती, तो मैंने सर्दी लगनी शुरू हो गई जो मैं मोटरसाइकिल पर बैठा। फिर मैं चाचू मोहसन जड़ा उन्हां दी हवेली ते आ गया, उत्थे मोटरसाइकिल रोकया, उत्थे मैं तकरीबन 4 बजे आया तो 5 बजे उन्हें कहा तैनूं पानी बनाउणा, तो उन्हें 5 बजे मैंने पानी बनाया, मैं फिर घंटा उत्थे वेट करता रहा, हाली तक दिन नहीं निकलिया, हुण ऐ पानी जमा हो गया सारा मेरे अवन्ने ते, इत्थे हुण अगे जमीन नूं चला जाएगा, पिछू वेखो बड़ी तेज़ी नाल आ रहा है पानी क्योंकि तुम दस्या बिजली वाली मोटर का पानी है और एक काफ़ी तेज़ पानी है, ज़्यादा है मोटर का पानी, साढ़े नहर के पानी ला ज़्यादा होंगे क्योंकि नहर का मोगा पिंड का छोटा जा, उदा पानी एडा खास नहीं है, तो ये मोटर जड़ा बिजली वाली मोटर एदा पानी काफ़ी तेज़ है, ये फिर इतने लगाई दा क्योंकि तुम पता तेल का रेट बहुत ज़्यादा है,
ते तेल का रेट ज़्यादा होने की वजह तो जो पीटर है या टूवल है वह वारा नहीं खाता, वो मुनासिब नहीं है। इस वजह तो फिर जो बिजली वाली मोटर है ये 400 तो घंटा पानी का देंगे ने, एक घंटा 400 का, तो यह फिर काफ़ी सस्ता पै जाता वो ये ठीक रह जाता है। ये फिर पानी असी ले लें 400 तो घंटा, लेकिन जोड़ा है टूवल कदे भी नहीं चलाया। वो रीज़न है कि तेल बहुत महंगा तुम दसिया, तो वो फिर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। मेरा टोके तो चढ़ गया, तुम वेख रहे हो काफ़ी तेज़ है पानी, मैं तुम विखा पानी काफ़ी तेज़ चलता पै, हाली तक पिछू खाले च आ रहा है और वेखो हाली तक खाला ब्रिजा नहीं। ये तकरीबन डेढ़ के घंटे में मेरा ये मुकम्मल हो जाना है। वो रीज़न है कि जोड़ा जमीन है मेरी ये हल वगे हुए हैं और हल जी जमीन वगे होवन ताज़े वो पानी जहरी गल ज़्यादा लगता है, बा नस्बत जी जमीन हल ना वगे होवन वो थोड़ा लगता है, क्योंकि वो जो हल वगे होंगे ने मिट्टी फिर उपर उभरी हुई होंगी है, तो वो पानी जोड़ा मुकम्मल जज़ब हो के जमीन थले तक जाना होंगे और फिर जाके पीछा मुकम्मल होंगे। ये मेरा उम्मीद है डेढ़ एक घंटे में मेरा ये एक वीघा हो जाएगा, क्योंकि मेरा ये पीच करन वाला पानी लगाने वाला एक वीघा ही है, इस तो ज़्यादा नहीं है। हुण मैं दोस्तों पीछे जावन लगा जाके फेरा लगाना, मतलब चेक करना मैं पानी बन के आ गया, तो हुण पानी अगे आ रहा है मेरी जमीन हले, मतलब हुण पीछे जाके चेक करना जिहड़ा पानी मैं चाचे मोशन दे उत्तू बद्दा है टोक टोक वो चेक करना, और रस्ते में जड़े मैं टोक बने आया, क्योंकि पानी जो उपर चढ़ जाता है उस बाद एक दफ़ा चेक कर लेना चाहिए कि तुहाडे टोके जड़े ने तुसां बद्दे ने वो ठीक ने, टुटन का खतरा तो नहीं पानी। तो वो मैं जाके हम दोबारे चेक करन जा रहा वापस, खाला उतनी देर में मुकम्मल भरी जाएगा। अच्छा दोस्तों मैं पानी चेक करके पिछू आया, पानी ठीक है मेरा, यह जड़े बन्ने ने मैं बद्दे ने यह भी ठीक ने। हुण पानी वेखो तुसीं कितनी स्पीड ला जा रहा फुल, हुण नाला जिहड़ा मुकम्मल तौर नाले विच मुकम्मल तौर पानी हुण आ गया पिछू, और इत्थों यह मेरे जमीन नूं लगा आ पानी। उस तो पैर धोते ने, क्योंकि मैं अवन्ने और टोके बनदा रहा जिहदी वजह तो मेरे पैर जिहड़े हन वो गिले हो गए और उन्हां ते कीचड़ लग गया, और चप्पली मैं उतारी हुई सी, मैं हाथ च पकड़ी हुई सी। टोके मेरे मुकम्मल हो गए ने और पानी मेरा हुण सीधा हो गया, हुण बस निगरानी थोड़ी देर करनी है, जो ये मुकम्मल पीछा हो जाना और फिर अगे बना देना है, उत्तू जिन्हें लगाना है पानी मेरे उपरू जिन्हें लगाना उन्हें बना देना है। अज का विलॉग जरा इख्ताम पजीर करने हैं, तो इस चैनल पर जोड़े दोस्त नवे ने काइंडली चैनल सबसक्राइब कर लो और बैल आइकन बटन लाजमी प्रेस कर लो ताकि हर नवी वीडियो थोड़े तक बासानी पहुँच जाए। शुक्रिया तमाम दोस्तों का। हुण मैं पानी लगा के फिर घर चलिया जाना, और नाश्ता जाके मैं हुण पानी लगा के करना है, और तुहानूं पता होगा कि जिमीदार जड़े ने उन्होंने कितनी मेहनत करनी पौंदी है, क्योंकि मैं 4 बजे का उठा आया इस पानी पिछे, 5 बजे मैंने मिलया है, मैं फिर 5 बजे लगा के ते फिर जाके नाश्ता नुश्ता करना है। तो पिछे तकरीबन 2 रात पहले मैं सारी रात पानी लगाई रख्या है, तकरीबन 3 एकड़ मैं अपना पीछा किया है, तो मेरी हवेली तो जमीन आई को चारा चूरा बीजिया सेम का शिटाला जोड़ा होंगे अजकल सर्दी में जानवरों वास्ते, वो 2 एकड़ उन्होंने पानी लगाया, और 1 एकड़ जोड़ा वो गंदम की इस तरह रौनी की आई, मतलब पानी लगा के उत्तू बीजनी आई तो उन्होंने पानी लगाया 1 एकड़, 3 एकड़ मैं फिर मैनू राती 9:15 बजे पानी मिलया, 9:15 बजे मैं पानी ले आता आपदे बन्ने ते, और तकरीबन रात सुबह तकरीबन 9 बजे तक मैं लगाया, तो सुबह 6 बजे तक मैं जागता रहा, रात 9:15 तो सारी रात ही मैं जागता रहा, और फिर 6 बजे मैं जाके सो गया। अबू और जिहड़ा मेरा बंदा काम वाला मैं रख्या जवेद वो आ गए, तो उन्होंने 6 बजे तो 9 बजे तक 3 घंटे एंड वाले उन्होंने लगाया, तो बाकी मैं लगाया, तो इतनी देर इस वजह तो लगा वे कुछ लाइट चली गई जिहदी वजह तो मोटर बंद हो गई और पानी ज़्यादा लगता रहा, और कुछ ये पानी जड़ा मोटर का ये मेरी हवेली वाली जमीन तो काफ़ी दूर पै जाता है, जिहदी वजह तो ये तकरीबन मैनू 12 घंटे बनता है, 12 घंटे मैनू पानी लगाना पै गया 3 एकड़ पीच करद करद काफ़ी देर मैनू, मतलब सारी रात ही मैनू जागना पाया।
हूँ तो खैर मैं आज 4 बजे उठ के आ गया, नींद मेरी पूरी हो गई है, लेकिन उस रात फिर मैं पूरी रात जागता रहा, तो जिदी वजह तो मैनू बड़ी तंगी हुई, दिन मैनू नींद आई, मैं आके 6 बजे सुता, मैनू अच्छी तरह नींद ना आई, फिर दोपहर को 2 घंटे सुता, ता जाके मेरा सुकून होया दिमाग नू, तो बड़ी मैं मतलब थकावट फील कर रहा रात ना सवन की वजह।